कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि निदेशक सोराज सिंह को बचा रही सरकार, खिलौना बनाने वालों को दिया मिट्टी जांच का ठेका। कार्रवाई न होने से विभाग में तरह तरह की चर्चाएं। यूपी में मिट्टी जांच के नाम पर 11 करोड़ की लूट। किसान हितैषी सरकार मौन बनी हुई है। एपीसी प्रभात कुमार की जांच रिपोर्ट को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पिछले एक पखवाड़े से दबाए बैठे हैं। वजह क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल। आखिर मंत्री जांच रिपोर्ट की फाइल को क्यों दबा रहे हैं? घोटाले में आरोपी जेडीए पंकज त्रिपाठी समेत 6 उपनिदेशक, अब तक कार्रवाई इन पर नहीं हुई। देखिए, अभी उसकी जांच प्रचलित है और परीक्षण हम करा रहे हैं और उसके बाद ही हम उसके ऊपर निर्णय दे सकेंगे कि घोटाला हुआ है नहीं हुआ है या उसकी तथ्य क्या है। अगर बात की जाए तो एसीपी ने जो रिपोर्ट दी है 15 दिन से भी ज्यादा गुजर गया, तो ऐसे में अब तक कार्रवाई क्यों लेट हुई? 15 दिन से ज्यादा नहीं गुजरे हुए हैं, कई चीजों का वेरिफिकेशन होने हैं कि जो सर्कुलर थे 2017-18 के क्या थे, 2017-18 के सर्कुलर के मेंशन नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कुछ अपने टिप्पणियां की हैं, उन सब चीजों को देख करके जो ऑन रिकॉर्ड आएंगे उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। देखिए, जो भी तथ्य आएंगे सामने उसको परीक्षण के उपरांत ही हम कार्रवाई का निर्णय ले सकेंगे। अभी आउट ऑफ वे अभी नहीं मैं कुछ कह सकता। तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि कृषि निदेशक को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, न किसी को बचाया जाएगा न किसी को संरक्षण दिया जाएगा। यदि किसी ने गलती की होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम कयास पर अभी निर्णय नहीं दे सकते। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस बीच हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सूर्य प्रताप शाही, आपने सुना कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी नहीं दे पाए। वीरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मिट्टी की जांच ज्वेलर्स करने वालों को दे दी गई, खिलौना बनाने वालों को दे दी गई, 11 करोड़ का घोटाला और कार्रवाई की फाइल दबाए हुए बैठे हैं मंत्री महोदय, क्या मकसद है इसका? देखिए, ये जो मामला है जी, और मंत्री का जो बयान है, ये बताता है कि जो बीजेपी की सरकार है ये भ्रष्टाचार पर जितनी बातें करती है उतनी कार्रवाई नहीं करती, और यही वजह है कि आज तक कृषि विभाग के इतने बड़े घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि अब तक जो है जो तृतीय अफसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो विभागाध्यक्ष है स्वराज सिंह, कृषि निदेशक है, उनको भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो विभाग के मुखिया है, वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। किसानों का पैसा लूटा जा रहा है, सरकार चुगली पीट रही है कि हम किसानों का आय दुगुना करेंगे, विकास करेंगे, खाद विकास करेंगे, किसान लूट रहा है उसके पैसे से अफसर माला माल हो रहे हैं, और सरकार चुपचाप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भ्रष्टाचार को सरकार में संरक्षण है, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये जनता देख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।